अच्छा गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो जैसे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आपको बताया है कि प्रोनाउन चेंज करने बताए और टेंस चेंज करने बताए। इसके बाद में देखो ये नंबर तीन जो तीसरी बात है जो अपने को बदलनी है वो है टाइम एंड स्पेस। यानी नंबर तीन है टाइम एंड स्पेस या डिस्टेंस। टाइम या स्पेस या डिस्टेंस वाली जो एडवर्ब हैं उनको क्या करना है कि चेंज करना है। तो इनमें भी यही बात है कि ये भी जैसे प्रेजेंट टाइम के बारे में उनको पास्ट में बताना है तो प्रेजेंट को पास्ट में ही ये एडवर्ब इनको बदलना है। अब इनमें देखो जैसे ये डायरेक्ट में ये लिखा हो तो इनडायरेक्ट में इस तरीके से इनको बदलना है। जैसे दिस है इसको दैट में बदलना है। नाउ है नाउ को देन में बदलना है। हेयर है देयर में बदलना है। एगो है बिफोर में बदलना है। टुडे है दैट डे में बदलना है। टू नाइट है दैट नाइट में बदल देना है। यस्टरडे है द प्रीवियस में बदलना है। द प्रीवियस डे या फिर लास्ट प्लस टाइम जैसे लास्ट मंथ है लास्ट ईयर है ये इस तरीके से लास्ट प्लस टाइम है उसको भी द प्रीवियस प्लस से टाइम में बदल देना है। प्रीवियस प्लस टाइम टुमारो को बदलना है द फ्लोइंग डे में। या नेक्स्ट प्लस टाइम इसको बदलना है द फ्लोइंग प्लस टाइम में। द फ्लोइंग प्लस टाइम में। तो इस तरीके से ये क्या है कि समय और दूरी वाले कुछ शब्द हैं। समय और दूरी वाली जो एडवर्ब है ये डायरेक्ट में है इनको इस तरीके से इनडायरेक्ट में अपने को बदलना है। अब जैसे आपको ये तीनों बातें हैं वो रिपोर्टेड स्पीच वाली चेंज करने वाली बता दी है, प्रोनाउन चेंज करने, टेंस चेंज करने और टाइम और स्पेस वाली जो बातें हैं वो बता दिए। अब देखो इनको किस तरीके से वाक्यों को अपने चेंज करते हैं इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे और उसके अनुसार ही आपको ये बात है वो समझनी है। देखो तो ये किस तरीके से अपने बदलेंगे। देखो अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल है एक डायरेक्ट सेंटेंस है ये लिखा है रमन सेड टू राधा आई हैव कम टू इनवाइट यू फुल स्टॉप। अब ये मतलब क्या है कि एक डायरेक्ट सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो जैसे पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे रमन, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है
सेड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में. रमन टोल्ड, ये टू हट जाएगा. राधा, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, कनेक्टिव लगाएंगे. कनेक्टिव क्या लगेगा कि जैसे ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव लग जाएगा इसमें दैट. यहाँ कनेक्टिव है वो लगा देंगे दैट. अच्छा अब यहाँ से शुरुआत करेंगे तो देखो पहला प्रश्न है आई. आई है वो कौन सा प्रश्न है? आई का मतलब मैं, तो यानी खुद से अर्थ देने वाला इसलिए हो गया फर्स्ट पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार इसको बदलेंगे. तो इससे आई को बदलना है अपने इससे रमन के अनुसार. आई है वो यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, यानी आई है वो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है. तो ये जो रमन है इस रमन का अपने को यहाँ क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है. रमन एक लड़के का नाम है, पुलिंग एक वचन नाम है. पुलिंग एक वचन नाम को जब सब्जेक्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ही लिखा जाता है. इसलिए इस आई की जगह क्या गया? ही. आई की जगह क्या गया? ही आ गया. ही किस वजह से आया? ये इस आई, ये आई है वो फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन को क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, इस रमन के अनुसार बदलेंगे. ये जो सब्जेक्ट है तो रमन का यहाँ सब्जेक्ट ही लिखना है. रमन एक लड़के का नाम है, लड़के के नाम को सब्जेक्ट में लिखते हैं तो लिखा जाता है ही, इसलिए आ गया ही. इसके बाद में ये देखो हैज हैव का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा. तो ही है, ही के बाद में लिख देंगे हैड. हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड इसके साथ में लिखनी है. कम टू का टू, इन्वाइट का इन्वाइट. अब यहाँ लिखा है यू. यू है वो कौन सा पर्सन है? यू है वो सेकंड पर्सन है. यानी आई है वो फर्स्ट है और यू है वो क्या है? सेकंड पर्सन है. तो सेकंड पर्सन को क्या करेंगे? सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी राधा के अनुसार. राधा के अनुसार ये चेंज होगा. यू है वो यहाँ एक ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो क्या करेंगे? ये जो राधा है इसका ऑब्जेक्ट, राधा का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राधा एक लड़की का नाम है. लड़की के नाम को जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? इसका इसका लिखा जाएगा हर, और यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप. तो इस तरीके से यानी ये जो सेंटेंस है वो अपने को कंप्लीट किया. अच्छा देखो इसके बाद में और कुछ एक दो एग्जांपल और देखो. जैसे ये लिखा है कि रीना सेड टू रोहन, यू डोंट नाउ मी, और फुल स्टॉप. अब ये डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में लिखें, क्या लिखें? रीना का लिखें. रीना सेट टू है, एफर्मेटिव सेंटेंस है. सेट टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में तो आ जाएगा टोल्ड. रोहन का आ जाएगा रोहन है, कोमा इन्वर्टेड कोमा है वो हटा देंगे. और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर ये किस तरीके का सेंटेंस है? एक एफर्मेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे दैट. अब देखो यहाँ पहला प्रोनाउन है वो है यू. यू है वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन को क्या करेंगे? सेकंड पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ग के सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी इस रोहन के अनुसार बदलेंगे. ये यू है वो यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है तो इससे रोहन का यहाँ सब्जेक्ट लिखना है. रोहन है वो लड़के का नाम है, पुलिंग एक वचन है. सब्जेक्ट में लिखेंगे लिखा जाएगा ही. अब डू लिखा हुआ है, डू के साथ नोट है तो डू डज के साथ नोट आया हो तो चेंज कर देते हैं डिड नोट में, ये आ जाएगा डिड नोट. नव का आ जाएगा नव. अब यहाँ लिखा हुआ है मी. मी है वो कौन सा पर्सन है? मी है वो फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन को क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे. तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ये रीना. ये मी है वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो ऑब्जेक्ट है, यानी इस रीना का ऑब्जेक्ट. रीना लड़की का नाम है, लड़की के नाम को ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो लिखा जाएगा हर.
इस तरीके से जाएगा। अच्छा अब देखो एक दो एग्जांपल और, जैसे ये लिखा है कि रवि सेड टू राजन, वी वांट टू प्ले ए मैच, डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में लिखे हैं क्या हो जाएगा, रवि का रवि सेट टू किसके क्या जाएगा टोल्ड, राजन का क्या लिखेंगे राजन, कॉमा इनवर्टेड को हटा देंगे, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, कनेक्टिव लग जाएगा दैट। अब यहाँ लिखा है वी, वी है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को कहने का मतलब रवि के अनुसार, लेकिन ये वी है वो प्लूरल में है, बहुवचन में, तो इसका मतलब इन दोनों के लिए है, इस रवि के लिए भी है राजन के लिए भी है, वी है वो सब्जेक्ट में है तो रवि और राजन दोनों के लिए सब्जेक्ट है, क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा दे, इसलिए आ जाएगा दे। वांट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, वर्ग की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वांटेड, टू का टूर, प्ले का प्ले आ जाएगा और ए मैच का ए मैच आ जाएगा और फुल स्टॉप, इस तरीके से। अच्छा अब जैसे एक दो एग्जांपल और देखो, जैसे ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है गीता सेड टू राधा आई कॉल्ड यू यस्टरडे, फुल स्टॉप। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो इनडायरेक्ट में लिखें किस तरीके से लिखा जाएगा, गीता का लिखें गीता सेड टू किसके क्या जाएगा टोल्ड, राधा का राधा, गीता टोल्ड राधा, कोमा इनवर्टेड कोमा हटा देंगे, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, कनेक्टिव लग जाएगा दैट, यानी गीता टोल्ड राधा एफर्मेटिव सेंटेंस है, कोमा इनवर्टेड कोमा हटाएंगे, कनेक्टिव लग जाएगा दैट। अब इसके बाद में देखो यहाँ पहला पर्सन आता है आई, आई है वो कौन सा पर्सन है, आई है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, गीता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो इस गीता का सब्जेक्ट है वो क्या लिखा जाएगा, गीता का सब्जेक्ट लिखा जाएगा सी। लेकिन ये देखो कि ये यहाँ गीता है यहाँ राधा है, दोनों लड़कियों के नाम है, गीता के लिए सब्जेक्ट लिखें तो सी लिखा जाएगा और राधा के लिए भी सब्जेक्ट लिखें तो सी लिखा जाएगा, तो ये बात स्पष्ट करने के लिए कि ये सी है वो किसके लिए लिखा है, गीता के लिए, तो यहाँ क्या करेंगे इसका नाम लिखेंगे गीता। तो इस तरीके से यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, यहाँ तो दोनों पुलिंग एक वचन हो या दोनों स्त्रीलिंग एक वचन हो, तो जो प्रोनाउन अपने लिखेंगे ही सी इनके साथ में इनके नाम लिखने, नाम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है ये जो सी है वो किसके लिए लिखा है, गीता के लिए है, ये बात है वो स्पष्ट करनी है। जहाँ अलग अलग हैं जैसे इसमें रीना रोन है, तो रीना है वो लड़की है, लड़की के लिए पता ही है कि जैसे ये ही है तो ही का स्पष्ट पता है कि ही है वो रोन के लिए आएगा, रीना के लिए आएगा ही नहीं, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ इस तरीके की बात हो कि दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हों, कि यानी उनका वचन भी एक हो नंबर भी एक हो,
दोनों या तो पुल्लिंग एक वचन हो या दोनों स्त्रीलिंग एक वचन हो, तो उनके प्रोनाउन के साथ में ब्रैकेट में उनके नाम बताने, स्पष्ट करने के लिए कि ये बात है वो इसके लिए लिखी है। अच्छा अब देखो आगे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो क्या करेंगे, यानी इसको हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो यह आ जाएगा कि सी हैड और कॉल्ड। अब यहाँ लिखा है यू, यू है वो कौन सा पर्सन है, यू है वो है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को क्या करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, राधा है। अब यू है वो क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इस राधाकार यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है। इस राधा का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो राधा एक लड़की का नाम है, लड़की के नाम को जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, हर लिखा जाएगा। तो ये जो हर है वो यहाँ लिखेंगे हर। अब ये हर जैसे आपको पहले बताया ना वही बात है, ये राधा के लिए लिखा तो भी हर है, और गीता के लिए लिखेंगे ऑब्जेक्ट, गीता को ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो भी हर ही लिखा जाएगा। इसलिए ये बात स्पष्ट करनी है कि ये जो हर है वो हमने किसके लिए लिखा, ये हर हमने लिखा राधा के लिए, यहाँ राधा का नाम लिख देंगे राधा। यस्टरडे है, यस्टरडे को बदल देंगे द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। इस तरीके से ठीक है। अच्छा अब इसमें ये तो इस तरीके से जैसे नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बताएं, अब इनमें अगर इंटरगेटिव सेंटेंस हो यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्यों को किस तरीके से अपने को करना है। देखो प्रश्नवाचक वाक्यों में यानी इंटरगेटिव सेंटेंसों में इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनको किस तरीके से करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है इनमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को इस प्रकार से करेंगे, यानी इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस अब इंटरोगेटिव सेंटेंसों में क्या करना है कि नंबर एक पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेट टू लिखा होता है, सेट टू को जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसों में तो आपको बताया क्या लिखने हैं कि सेट टू की जगह लिखा जाता है टोल्ड। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, ये जो सेट टू है इसकी जगह अपने को लिखना है आस्कर। सेट टू को किस में चेंज करना है, आस्कर में। फिर इसके बाद में जैसे आपको बताया कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों में कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर कनेक्टिव क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। और इसमें क्या करना है अपने को, कनेक्टिव है वो क्या लगाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसों में कनेक्टिव लगाना है आपको इफ या वेदर, या फिर नंबर एक पहली बात इफ या वेदर लगाना है और नंबर दो बात है डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है। अब जैसे ये प्रश्नवाचक वाक्य होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब से अगर बनाया गया है ना इंटरोगेटिव है तब तो क्या करना है अपने को इफ कनेक्टिव लगा देना, इफ या वेदर लगा दो। और अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो डब्ल्यू एच वर्ड से बना है, डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब जैसे व्हाट व्हेन वेयर व्हाई वो, तो ये सेम ही डब्ल्यू एच वर्ड ही क्या करना है, कनेक्टिव लगा देना है। यानी जैसे वाई से क्वेश्चन बनाया गया तो वाई से ही, वाई को ही कनेक्टिव लगाना है, व्हाट से बनाया गया तो व्हाट को लगाना है, और व्हेन से बनाया गया तो व्हेन को लगाना है। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में इसमें नंबर तीन तीसरी बात ये है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में
चेंज करना होता है। बस ये इतनी ही बात है और कोई बात नहीं। बाकी नियम सेम वो ये अफर्मेटिव सेंटेंस वाले, इतना ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको एक साधारण स्वीकारात्मक वाक्य में बदलना है। अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में, ये एग्जाम्पल है, ये लिखा है कि मदन सेड टू मीना डू यू नाउ मी, प्रश्नवाचक। ये एक मतलब क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इसको क्या करें, इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मदन का लिखेंगे मदन, सेट टू किस गए प्रश्नवाचक वाक्य है तो आस्कट में लिख देंगे, और मीना का लिखेंगे मीना। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा ये हटा देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो कलेक्टिव क्या लगेगा। अब देखो ये प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो किससे बना है, ये डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, सही क्रिया से बना है। हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक अगर बनाए गए तो कनेक्टिव वो क्या लग जाएगा, इसमें कनेक्टिव लग जाएगा इफ, इफ या वेदर लगा देंगे तो इफ लगा दिया। अब क्या है कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको क्या करना है, अफर्मेटिव में बदलना है। तो अफर्मेटिव में जैसे अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, साधारण जो वाक्य होता है उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में अंतर क्या होता है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। अफर्मेटिव में वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखते हैं। तो ये यानी इन दोनों का क्रम बदलना है अपने को। यहाँ कहने का मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो तो सब्जेक्ट की जगह लिखनी है, और सब्जेक्ट है वो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब की। अब ये जो यू है ये मतलब क्या है कि जो ये यू है इसको तो डू की जगह लिखना है और डू को ले जाना है यू की जगह। तो पहले इस यू को लिखेंगे, यू है वो कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे यानी इस मीना के अनुसार बदलेंगे। यू यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है तो इस मीना का यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। मीना का सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है डू, डू डज ए, अगर अकेले हों यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में आए तो इनको हटा देते हैं। पास्ट सिंपल का साधारण वाक्य जब बनाएंगे तो इसमें कोई सही क्रिया नहीं लगेगी, तो क्या हो जाएगा, ये डू डज हट जाएगा और नाउ है इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी नीव, यानी ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको सेकंड में बदल देना है। और मी है वो कौन सा पर्सन है, मी है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो इस मी को चेंज कर देंगे इस मदन के अनुसार। मी है वो क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इससे मदन का, ये जो मदन है इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ आकर। मदन है वो एक लड़के का नाम है, लड़के के नाम को ऑब्जेक्ट में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा हिम, इस तरीके से। यानी ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है अफर्मेटिव वाला उसमें कनेक्टिव तो क्या लगाना है, इफ लगाना है। सेट टू को आस्कट में तो दोनों में बदलना है, चाहे इन यानी यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड से बनाओ चाहे हेल्पिंग वर्ड से बनाओ, सेट टू को चेंज कर देना है आस्कट में। दोनों में अंतर क्या होगा, कनेक्टिव का। अगर यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड से बनाए तो वही डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिव लगाना है, अगर ये सही क्रिया से बनाए गए तो इसमें कनेक्टिव है वो क्या लगाना है, इफ या डब्ल्यू एच वर्ड, ये इफ या वेदर। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो क्रम ये हो जाएगा, यानी इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। अब क्या करना है कि सब्जेक्ट अपने को पहले लिखना है, सही क्रिया है बाद में लिखनी है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब बाद में। अब एक उदाहरण और देखो, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड वाला ये एक एग्जाम्पल है, जैसे ये डायरेक्ट सेंटेंस है, रवि सेड टू हरी
वाई आर यू लुकिंग एट मी। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे? रवि का लिखेंगे रवि, सेट टू की जगह क्या आ जाएगा? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आस्क आ जाएगा। हरि का लिखेंगे हरि, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव लगाएंगे। ये क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड से प्रश्नवाचक बना हुआ है, तो सेम का सेम ये डब्ल्यू एच वर्ड है वो काम में ले लेंगे। केवल ध्यान यहाँ रखना है ये कि यहाँ डब्ल्यू बड़ा होगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा देंगे तो ये स्मॉल लेटर में लिखना है। ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है डब्ल्यू, ये स्मॉल लेटर में लिखना है। अच्छा अब देखो, ये आर है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो पहले क्या करना है अपने को? सब्जेक्ट को लिखना है, यानी इस यू को पहले लिखेंगे। यू है वो कौन सा पर्सन है? यू है वो सेकंड पर्सन है। इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यू है वो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये हरी है, इस हरी का यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। हरी है वो एक लड़के का नाम है, लड़के के नाम को सब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा। अब वही बात, यहाँ हरी और रवि दोनों के लिए सब्जेक्ट है वो ही लिखा जाएगा, इसलिए क्या है कि इसके साथ इसका नाम लिख देंगे। ये ही है वो आया है रवि के लिए, हरी के लिए, तो यहाँ लिखो हरी। इसके बाद है ईजे मार का पास्ट है, वाजवर हो जाएगा, तो ही है वो सिंगुलर में है इसलिए वाजवर में जैसे लिखा जाएगा वाज। लुकिंग का आ जाएगा लुकिंग, एट का आ जाएगा एट। अब यहाँ लिखा हुआ है मी, मी है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन को चेंज कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, यानी से रवि के अनुसार। मी है वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो क्या है कि इसे रवि का ऑब्जेक्ट लिखना है। रवि लड़के का नाम है, लड़के के नाम को ऑब्जेक्ट में लिखें तो लिखा जाएगा हिम, और ये प्रश्नवाचक हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा जाएगा। यही इंटरोगेटिव जो साइन है इसको हटा देना है, क्योंकि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको अपने एक अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। इसके बाद आगे, मतलब आगे वाले जो वाक्य हैं उनको नेक्स्ट पीरियड में फिर देखेंगे। देखो